आपने इस वीडियो को क्लिक किया है मतलब आप अभी कंसीव करना चाहती हैं, और कंसीव करने वाले इस जर्नी को बोला जाता है TTC जर्नी, यानी कि ट्राइंग टू कंसीव जर्नी। और इस जर्नी पे सब लोग एक काम ज़रूर करते हैं और वो है सिम्टम स्पॉटिंग। तो क्या क्या सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमने कंसीव कर लिया है, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर में, कि मैंने कैसे कंसीव किया, मैंने अपने हस्बैंड को कैसे बताया, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्लॉग्स में देती रहती हूँ। तो अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं या होना चाहती हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। एनीवेज लेट नहीं करते और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सिम्टम स्पॉटिंग में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है ये समझना कि कौन सा सिम्टम प्रेगनेंसी सिम्टम्स है और कौन सा सिम्टम्स जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है, यानी कि आपके पीरियड के सिम्टम्स हैं। क्योंकि कॉन्सेप्शन वाले सिम्टम्स और PMS सिम्टम्स दोनों काफ़ी सिमिलर होते हैं, क्योंकि एक बार जब आप ओव्यूलेट करते हो तो उसके बाद में आपके बॉडी में जो हार्मोन सर्ज होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी सर्ज होता है, तो दोनों के सिम्टम्स बहुत सिमिलर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप हर महीने सिम्टम्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे होता क्या है कि अगर आप कई महीनों से ओव्यूलेशन के बाद से लेकर पीरियड तक के सिम्टम्स लिखते जा रहे हो एवरी डे बेसिस पे कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे होगा ये कि जिस मंथ आप कंसीव कर रहे होंगे कोई भी एक भी सिम्टम्स अगर आपके अंदर नया हो या अलग हो तो आप झट से समझ जाओगे कि लग रहा है मैंने इस महीने कंसीव कर लिया है और गुड न्यूज आने वाला है। तो अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है और हर एक लेडी का बॉडी डिफरेंट होता है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसे ये सिम्टम्स आया है तो मुझे भी आया है तो मतलब मैं प्रेग्नेंट हूं। हो सकता है ये सिम्टम्स आपके PMS के सिम्टम्स हो या हो सकता है आपने भी कंसीव कर लिया हो, तो इसको एक फन वे में लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा श्योर तरीका नहीं है बताने का कि हाँ ये कंसेप्शन का ही सिम्टम्स है। पर फिर भी जानने में क्या हर्ज है, मैं भी जब ट्राई कर रही थी कंसीव करने का तो ऐसे वीडियोस बहुत देखा करती थी, अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव होता है। तो आपके अंदर जो अभी एक्साइटमेंट है इससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, मैं अभी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। एनीवेज अब लेट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। तो मैंने कंसीव किया था आफ्टर अ ट्रिगर शॉट जो कि मैंने ओव्यूलेट करने के लिए लिया था, तो मैंने ओव्यूलेशन इंडक्शन किया था और फिर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है। डिटेल में जानना हो अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो कि 2 साल की रही थी, तो 2 साल तक मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट्स लिए और फिर मैंने नेचुरली कंसीव किया, तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो जब मैंने ले लिया ट्रिगर शॉट उसके बाद से लेकर के मुझे बहुत ही जल्दी चल गया था पता कि मैंने कंसीव कर लिया है, और वो वीडियो भी मैंने बना लिया है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे मुझे सिर्फ ओव्यूलेशन के 11th डे को चल गया था पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ अपने सिम्टम्स, मैं आपको यहाँ पे एक बताती हूँ वर्ड जो मैं बार बार यूज़ करूँगी, विच इज़ DPO। DPO का फुल फॉर्म होता है डे पास्ट ओव्यूलेशन। तो जिस दिन आपको चलता है पता कि आप ओव्यूलेट कर चुके हो उसके नेक्स्ट डे से आप सिम्टम स्पॉटिंग करना स्टार्ट करते हो, और सभी के साइकिल अलग अलग होते हैं। किन्हीं किन्हीं को आफ्टर ओव्यूलेशन 14th डे को पीरियड्स आ जाते हैं। मेरे केस में मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैंने ओव्यूलेट किया है उसके 16th डे को या 17th डे को मैक्स टू मैक्स मुझे पीरियड्स आते थे, 16 से पहले कभी नहीं आता था। तो DPO एंड DPO2 इन दोनों दिनों को मेरे को सेम सिम्टम्स थे, तो मैंने उन दोनों दिन का साथ में लिखा है। तो सबसे पहले जो मुझे हो रहा था फर्स्ट डे पास्ट ओव्यूलेशन वो था कि मैं बहुत गैसी थी। अभी इस वीडियो में मैं पहले बोल दूं कि TMI होने वाला है, टू मच इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे अपने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, बॉडी के कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा वियर्ड लगता हो, ग्रोस लगता हो, तो आप ये वीडियो स्किप कर दें। उसके साथ जो चीज़ हो रही थी वो था कि मेरे राइट ओवरी में मुझे स्लाइट हैवीनेस लग रही थी। तो इस मंथ जो मैंने ओव्यूलेशन जो मेरा हुआ था, जो एग रप्चर हुआ था, वो राइट साइड की ओवरी से हुआ था। जैसे आपको पता है 2 ओवरीज होते हैं लेफ्ट एंड राइट, और हर मंथ जनरली आप अलग अलग ओवरी से ओव्यूलेट करते हो। तो जिस मंथ मैंने कंसीव किया उस मंथ मैंने राइट ओवरी से ओव्यूलेट किया था, और उसी राइट ओवरी में स्लाइट हैवीनेस थी मुझे। पर ये हैवीनेस मुझे हमेशा रहती है आफ्टर ओव्यूलेशन, तो मैंने इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। हर बारी आफ्टर ओव्यूलेशन जिस साइड से ओवरी से मैं ओव्यूलेट करती हूँ वो मेरा हैवीनेस उसमें रहती है, तो वो इस बार भी हो रहा था, वन गैसी था एंड स्टमक अपसेट था। उसके बाद सीधा आते हैं DPO 3, 1 और 2 सेम रहा। 3 को मेरे राइट साइड के एब्डोमेन में
एक टाइटनेस थी, अगेन जिस साइड से मैंने ओविलेट किया था उसी साइड से मुझे टाइटनेस लग रही थी, फटीग लग रहा था मुझे, उसके साथ में मुझे बहुत ही गंदा वाला हेडेक हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सुबह की मुझे याद है 10 बजे मेरा वो हेडेक स्टार्ट हुआ था और रात के 11 बजे वो हेडेक ख़त्म हुआ था। पर क्योंकि मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हो सकता है कि इस मंथ में कंसीव कर लूँ, क्योंकि मैंने ट्रिगर शॉट वगैरह लिया था, तो मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी। और मुझे याद है वो 12-13 घंटे बहुत बुरी हेडेक थी मुझे, पर अगेन हेडेक को भी मैंने उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं क्योंकि हेडेक मुझे फ्रिक्वेंट होता रहता है। तो पर हाँ, ये था तो मैंने लिखा। उसके बाद 4th DPO में मेरे दोनों ब्रेस्ट में पेन था। अभी ये जो ब्रेस्ट पेन है ना, ये मुझे होता ही है, मतलब बहुत लोगों को पीरियड स्टार्ट होने से 3-4 दिन पहले ये ब्रेस्ट पेन होता है। पर मेरे साथ मैंने देखा है कि जिस जिस मंथ मैंने ओव्यूलेट किया है, श्योर शॉट मुझे पता है ओव्यूलेशन हुआ है, उस मंथ में मुझे या तो नेक्स्ट डे को ये ब्रेस्ट पेन शुरू हो जाता है या उसके एक दिन के बाद शुरू हो जाता है। और स्टार्टिंग में मुझे ऐसा होता है कि एक ब्रेस्ट में पेन है, फिर 3-4 दिन के बाद दूसरे में है, और फिर ये तब तक रहता है जब तक मेरी पीरियड्स ना आ जाए। और जिस मंथ में ओव्यूलेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे PCOS था, मैंने बताया है आपको, तो जिस मंथ मेरा ओव्यूलेशन नहीं होता है उस मंथ मैंने देखा है कि मुझे सिर्फ पीरियड से 3-4 दिन पहले ये पेन होता है और पीरियड्स के सेकेंड डे तक ये पेन रहता है। तो इस बार मैंने क्या देखा कि 4th DPO को हुआ इमीडिएट ये पेन, सेकेंड डे को, थर्ड डे को स्टार्ट नहीं हुआ, पर 4th DPO से दोनों का पेन जो है स्टार्ट हो गया। पर अगेन ये भी मेरे लिए कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नहीं था, क्योंकि ये होता रहता है मेरे साथ में। पर 4th DPO को मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं बहुत थक गई थी, मैंने यहाँ पे लिख रखा है मोर स्लीप। मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, तो उस दिन मैं दोपहर में भी सो गई थी और पूरे दिन मुझे लग रहा था कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो भी हुआ था। 5th DPO के 5वां दिन ओव्यूलेशन के बाद में राइट ओवरी मेरी टाइट फील हो रही थी। तो अगेन इस बार मुझे थोड़ा सा ये लगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं ओव्यूलेशन हुए या 5वां दिन है, अभी भी मुझे राइट ओवरी में ये ऐसा टाइटनेस सा क्यों फील हो रहा है, अभी तक तो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो वो था ब्रेस्ट पेन, तो ऑफकोर्स परसिस्टेंट था ही। फिर से मेरा स्टमक अपसेट हो गया था। तो जैसे कि बहुत लोग कहते हैं अगर आप कंसीव करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पर मेरे केस में उल्टा हो रहा था। देखिए 5th DPO को मेरा हो गया था अपसेट स्टमक। उसके बाद मैं दोपहर में जब सो के उठी थी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, मतलब लिटरली मैंने यहाँ लिखा है वेरी वेरी हंग्री। इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी थी कि उठते ही सबसे पहले मैंने फ्रिज खोला और जो मुझे आगे दिखा मैंने वो खाया, इतनी मुझे भूख लगी थी। उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंडिकेट मुझे कर रही थी कि शायद मैंने कंसीव कर लिया है, वो मुझे 5th DPO के दिन ही हुआ था। और उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा था, और वो ये था, जैसे आप लोग सुने होंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता क्या है? तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्चुअली होता है आपको 8th DPO से लेकर के 11th DPO के बीच में ये होता है। तो जब फर्टिलाइज्ड एग अपने आप को इम्प्लांट करने का ट्राई करता है फाइनली आपके यूट्रस में, तो हल्का सा छोटा सा वो वहाँ पे कह सकते हो कि छेद सा करता है, क्योंकि उसको उसके अंदर इम्प्लांट होना है। तो जो वो थोड़ा सा वहाँ पे एक छोटा सा छेद करता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और लाइट स्पॉटिंग के फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं। तो बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, पर ये होती है बहुत लोगों को। पर ये 8th DPO से लेकर 10th DPO तक में नॉर्मली देखा गया है, पर कुछ लोगों को ये थोड़ा लेट भी होता है, 11, 12 DPO को भी होता है, और कुछ लोगों को तो एग्जैक्ट उनके पीरियड्स के टाइम पे होता है, यानी 14, 15, 16 DPO को भी हो सकता है। तो मतलब इसका कोई ऐसा श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी ही होगी हर औरत को, सबको नहीं भी होती है, या होगी तो कब होगी, और अगर होगी तो वो कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सबके साथ अलग अलग होता है। तो मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा, और वो भी इतनी जल्दी होगा। तो सिर्फ 5 दिन हुए थे मेरे ओव्यूलेशन को, और जब मैं दोपहर को सो के उठी उसके बाद में मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने फटाफट खाया, और उसके बाद जब मैं वॉशरूम गई तो मैंने नोटिस किया कि म्यूकस के साथ में बहुत स्लाइट टिंट ऑफ ब्लड था, बहुत। तो म्यूकस यानी कि सर्विकल म्यूकस को अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो जो हम लोग डिस्चार्ज की बात करते हैं, जो डिस्चार्ज आपको पूरे साइकिल अलग अलग फॉर्म में होता है, कभी कभी वो एग वाइट होता है, कभी स्टिकी होता है, कभी थोड़ा सा ड्राई म्यूकस होता है, तो मुझे जो हुआ था वो थोड़ा सा म्यूकस था और उसके साथ में वो स्लाइट टिंट ऑफ ब्लीडिंग थी। तो उसको देख के मुझे थोड़ा सा तो लगा कि 5th डे को अगर ये ब्लीडिंग हो रही है तो नो चांस, ये पीरियड्स का तो अंदेशा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये इम्प्लांटेशन हो सकता है, ऐसा मैंने सोचा। पर क्योंकि ये इतना अर्ली था, 5th DPO ही था,
तो मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है, पर ऑफ कोर्स बाद में मुझे पता चला कि उस दिन मेरा इम्प्लांटेशन ही हुआ था और तभी मुझे आने वाले सिर्फ 6 डे के अंदर अंदर ही चल गया पता कि मैंने कंसीव कर लिया है, यानी कि 11th DPO को। तो हाँ, वो हुआ था एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो इस बार है गुड न्यूज़। उसके बाद मैंने शाम को चाय पी जैसे मैं रोज़ पीती थी, पर चाय पीने के 15-20 मिनट के बाद ही मुझे हार्ट बर्न होने लगे। एंड मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कभी भी एसिडिटी नहीं होती है, और चाय पीने के बाद जब मेरा पूरा गला और छाती तक ना पूरा वो जल रहा था लिटरली, तो उससे भी मुझे लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ, मैं तो रोज़ चाय पीती हूँ, तो वो भी मैंने नोट कर लिया। एनीवेज, तो 5th DPO को बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई। 6th DPO को मैं सुबह सोके उठी, मुझे स्नीजिंग चालू हो गई, छींके चालू हो गई, और इतनी ज़्यादा छींके चालू हो गई कि मैंने यहाँ पे लिखा है लॉट ऑफ स्नीजिंग, मतलब मेरे ख्याल से दिन भर में मैंने 15 से 18 बार छींक ले ली होगी। तो स्नीजिंग हो रही थी मुझे, उसके साथ में ब्रेस्ट में पेन तो था ही था। अगेन राइट साइड में ना बहुत ही हल्का सा 2-3 सेकेंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा था कि कोई ट्विच वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कोई कुछ पिंच कर रहा हो, बहुत ही स्लाइट। अगर आप बहुत अवेयर हो अपने बॉडी को लेकर के तब भी आप ये सब फील कर सकोगे। अगर आप मतलब ऐसा है, ये सब चीज़ें सिम्टम्स ऐसी है कि आप इग्नोर भी कर सकते हो, पर अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का और नोट करते हो, सिम्टम्स स्पॉटिंग करते हो, तो हर एक छोटी सी हरकत आपको पता चल जाती है। तो लाइट सा एकदम ट्विच सा फील हुआ था, अगेन अपसेट स्टमक था मेरा। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ म्यूकस की, डिस्चार्ज की बात करूँ, तो कम्प्लीटली ड्राई डिस्चार्ज था मेरा। उसके बाद में शाम को अचानक से 6 बजे के आसपास मेरा मुंह पूरा ड्राई हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ड्राई। और ऐसा नहीं है कि मैं पानी नहीं पीती थी, मुझे प्यास बहुत लग रही थी, बहुत पानी पीती थी मैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मुंह पूरा ही ड्राई हो गया था। मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ कि मेरे होंठ अचानक से 1 घंटे के अंदर अंदर इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो वो भी मुझे वियर्ड लगा, इसलिए मैंने फ़ोटो भी लिया था। उसके बाद 7th DPO को मुझे मॉर्निंग में क्रैम्प हुए थे, जैसे क्रैम्प आपको PMS के टाइम पे होते हैं, आपके पीरियड से पहले थोड़े से क्रैम्प होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े से मुझे क्रैम्प हुए थे, मैंने यहाँ पे नोट किया है। ब्रेस्ट में पेन जो था वो था ही था। और उसके बाद में राइट साइड के पैर में मुझे स्लाइट पेन था, जो अगेन आपको पीरियड से पहले जैसे कमर दुखता है, पैर दुखता है, वो हल्का हल्का सा पेन था। और उसके अलावा रात की बात है, मैं रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते ही मुझे कम से कम 1 मिनट के लिए ये फील हुआ होगा, पूरा 1 मिनट के लिए, कि अगेन मेरे यूट्रस के साइड में मुझे लग रहा था कि मुझे हल्का हल्का सा ना एक स्ट्रेच वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही माइल्ड, पर मुझे रोटी बनाते ही बनाते ऐसा लग रहा था कि कुछ स्ट्रेच हो रहा है, ये फील हो रहा है। और ये 1 मिनट तक चला, जब तक मैं वो बना रही थी, एक पूरा रोटी मेरा बन गया, मैं बेल लिया, मैंने सेक लिया, तब तक मुझे वो स्ट्रेचिंग वाली फीलिंग आ रही थी रात को। उसके बाद आ जाते हैं सीधा 8th DPO में। सुबह अगेन मुझे जो स्नीजिंग वाली प्रॉब्लम थी पिछले दिन, वो उस दिन भी थी, पर इस बार मेरे नोज़ भी थोड़े स्टफ़ लग रहे थे, जैसे कि ज़ुकाम होने वाला है। ब्रेस्ट पेन तो था ही था, हल्का सा फेस मेरा सा स्वेलिंग सा मुझे लग रहा था, पर मुझे लगा कि हो सकता है सो के उठने की वजह से हुआ हो, पर वो 3-4 घंटे तक फेस में स्वेलिंग रही थी। उसके अलावा मुझे अपर बैक में पेन हो रहा था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जबकि पीरियड से पहले जनरली लोअर बैक में पेन होता है, पर यहाँ पे मुझे अपर बैक में हो रहा था। और अब मेरे लोअर बेली में थोड़ा सा मुझे हैवीनेस लगता था, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा लगता था हैवीनेस, पर कभी कभी फील होता था उठ रहे हैं अचानक से कि थोड़ा सा हैवीनेस, कुछ अलग सा, मतलब अनयूजुअल सा बाकी दिनों के हिसाब से। उसके बाद 9th DPO में आ जाते हैं, अगेन ब्रेस्ट पेन जो था वो था ही था और वो बढ़ता जा रहा था ऑफ कोर्स। उसके अलावा लोअर बैक में पीरियड लाइक पेन मैंने लिखा है, और जब ये आपको पता ही है स्टार्ट होता है तो टेंशन हो जाती है, तो जैसे मुझे ये वाला पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा अरे लगता है इस बारी जल्दी पीरियड्स हो जाएंगे, मतलब 16 डे को ना होके लगता है 13-14 को ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इंजेक्शन लिया है तो जल्दी पीरियड्स आ जाएंगे। मैं सोच रही थी कि साइकिल मेरा जो एकदम है वो जल्दी वाला हो जाएगा इस बार, क्योंकि वो जो पेन होता है वो बहुत दुख देता है आपको कि अरे फिर से वही स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा मेरे उस दिन से यूट्रस में ना एक स्ट्रेचिंग वाली पेन जो मैं आपको एक दिन बोल रही थी मुझे हुई थी, वो वाली स्ट्रेचिंग पेन ना अब थोड़ी सी मुझे फ्रिक्वेंट होने लगी थी। मतलब अगर मैं लेटी हूँ और लेट के मैं अगर झटके से उठ रही हूँ ना, तो मुझे अचानक से यूट्रस में पेन फील होता था, मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे लगे आह
ऐसा आवाज़ निकल जाए कि हाँ कुछ खींचा ज़ोर से, वो मुझे 9 DPO को हुआ। इसके अलावा एक चीज़ है जो मैं और कर रही थी और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी आप कर सकते हो, और वो ये है कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करना स्टार्ट करिए। उसको कहते हैं बेजल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो वो मैंने किया है, पर यहाँ पर मैंने गलती ये कर दी कि मैंने इस वाले पर्टिकुलर साइकिल में वो स्टार्ट थोड़ा लेट किया था, मैंने वो 6th DPO से स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। पर उसमें करना क्या होता है कि हर दिन आप जब सो के उठते हो ना, तो बिना कोई एक्टिविटी किए सबसे पहले आपको आपके बॉडी टेम्परेचर को नोट कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि जब आपको ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो आपको दिखेगा कि आपके बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, और जब आप कंसीव कर जाते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 98.3 रहता है मान लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा, पर अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आप देखोगे कि 98.4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऊपर ही जा रहा है, वो ड्रॉप नहीं होगा। और अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो आप नोट करोगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर अचानक से नीचे गिर जाता है, और उस दिन या उसके अगले दिन आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बॉडी को समझने का और देखने का कि कैसा बिहेव करता है। तो मैंने ये ऐसे कई महीने तो मैंने किया है एकदम ध्यान से, पर इस साइकिल में मैंने ये 5th DPO तक किया ही नहीं। पर जब मुझे उस दिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग लगी तब मुझे लगा कि मुझे ये नोट करना चाहिए, फिर से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने 6 DPO से स्टार्ट किया था। तो मेरी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली अगर देखें ना थोड़ी कम रहती है, मतलब काफ़ी कम रहती है। कई बार मैं देखती हूँ तो 97.8 है, कभी 97.9 है, ऐसे 98 के ऊपर तो मुझे दिखती ही नहीं है। तो इस बार जब मैंने 6 DPO को फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने देखा कि 98.5 है मेरा टेम्परेचर, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, थोड़ा ज़्यादा है मेरे बॉडी के लिए। अब आ जाते हैं DPO 10। अभी सुबह सुबह क्या हुआ कि मुझे एकदम विविड ड्रीम आया प्रेगनेंसी का। अभी प्रेगनेंसी के बारे में जब आप इतना सोचते हो तो ऑटोमेटिकली चांसेस ज़्यादा है कि आपको प्रेगनेंसी ड्रीम्स आए। पर बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, अगर आप कंसीव कर जाते हो तो आपको प्रेगनेंसी ड्रीम्स आते हैं, या फिर आप ड्रीम्स में देखते हो कि UPT पॉजिटिव आ गया, या कुछ तो प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ ड्रीम आप देखते हो। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ सांप से जुड़ा हुआ ड्रीम देखा, तो इस तरीके से कुछ कुछ हैं जो लोग शेयर करते हैं। पर मैंने DPO 10 को प्रेगनेंसी ड्रीम देखा कि मेरा UPT पॉजिटिव आया है, और बिल्कुल विविड ड्रीम, मतलब क्लियरली मुझे याद था कि ये सपने मुझे आए। पर ऑफ कोर्स मैंने इसको निगेट कर दिया कि मैंने बहुत सोच लिया है इसके बारे में, तो इसीलिए ये सपना मुझे आ रहा है। उसके बाद उस दिन मुझे बहुत ही वर्स्ट स्ट्रेच पेन हुआ यूट्रस में। मैं बैठी थी तो मैं नीचे ना सोफ़ा के पास जो टेबल है वहाँ पे नीचे बैठ के भी खाना प्रेफर करती थी, तो वहाँ नीचे बैठ के मैं खा रही थी टेबल पे खाना रख के, और जब मैं उठी ना अचानक से मुझे इतना ज़ोर का यूट्रस में स्ट्रेच और पुल वाली फीलिंग आई, लाइक समबडी स्ट्रेचिंग एंड पुलिंग योर यूट्रस, कि मुझे मैं ज़ोर से चीख भी निकल गई मेरी, और मुझे लगा कि कुछ तो हुआ, कुछ तो ज़ोर से खींचा मुझे, और मैं लगा कि नहीं नहीं अब मैं नीचे नहीं बैठने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे वैसे तो रोज़ हो रहा है बेड से उठते वक्त कभी कभी, पर अभी बहुत ज़ोर से हुआ और वो मैंने लिखा है। अब आ जाते हैं DPO 11। तो ये दिन है जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। मुझे कैसे पता चला, कैसे मैंने इतना अर्ली चेक किया, और कैसे मुझे ओव्यूलेशन टेस्ट किट से चला पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर आपको ये स्टोरी जाननी है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा बताया है मैंने उसमें, बहुत ही अलग तरीके से चला है पता। एंड मेरे हस्बैंड का रिएक्शन कैसा रहा प्रेगनेंसी का चलने का पता, तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने शेयर किया है। तो 11th DPO जिस दिन मुझे पता चला, लगभग 3 बजे मुझे चला पता दोपहर के कि आई एम प्रेग्नेंट। तो उस दिन क्या हुआ था, अगेन सुबह मैं सो के उठी और मेरे यूट्रस में फिर से वही वाला स्ट्रेच पेन था। तो ये जो स्ट्रेच पेन था ये मुझे कभी नहीं होता था किसी और साइकिल में, और इस साइकिल में आप देख रहे हो कि मुझे ये बार बार हो रहा है। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा था, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो मुझे हुई थी वो भी मुझे इंडिकेट कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात मुझे लग रही थी। सपना भी आ गया था मुझे प्रेगनेंसी वाला, पर उसको मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। तो ये सब चीज़ों से मुझे लग रहा था कि कुछ इस बार बाकी टाइम से अलग है, और जो मुझे हार्टबर्न हुआ था चाय पी करके वो भी डिफरेंट था। इसी दिन मैंने सुबह ये भी नोटिस किया कि मुझे ना एक अल्सर हो गया है, टंग के पीछे के साइड में मुझे अल्सर हो गया है, और ऐसा मैंने कुछ भी गर्म नहीं खाया था या कुछ भी ऐसा मसालेदार नहीं खाया था कि मुझे वो अल्सर हो जाए। तो ब्रश करते वक्त मुझे आइडिया लगा कि पीछे एक अल्सर है, जब मैंने देखा मिरर में तो टंग में बहुत बड़ा अल्सर रातों रात मुझे हो गया था, तो मुझे वो वियर्ड लगा कि ऐसा क्या है। फिर मुझे लगा हो सकता है कि बहुत सारे मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जो इंजेक्शन लिया था उसकी वजह से हो सकता है पेट गर्म हो गया, पर इतने दिनों बाद क्यों ये निकल रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि इंजेक्शन लिए तो मुझे 11 दिन हो गए थे। खैर, पर वो मुझे हुआ था। भूख बहुत लग रही थी, उस दिन मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था,
तो सुबह वो नाश्ता करके चले गए, मैंने भी उनके साथ नाश्ता किया, पर उसके नाश्ता करने के एक ही घंटे के बाद मुझे फिर से भूख लग गई और मैंने फटाफट सैंडविच बना करके खाया। सैंडविच बना करके खाने के 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मुझे फिर से भूख लग गई और मुझे मन करने लगा कुछ तो खाया जाए, कुछ तो अच्छा खाया जाए। सामने था केला, मैंने केला खाया, तो मतलब मुझे बहुत भूख लग रही थी, जबकि नाश्ता अगर मैं अच्छा कर लूँ, पराठे खाते हैं वैसे नाश्ते में, तो मुझे लंच तक उतनी भूख नहीं लगती है, पर उसे मुझे बार बार भूख लग रही थी। तो ये भी मुझे वियर्ड लग रहा था कि इतनी भूख क्यों लग रही है। उसके बाद मैंने लंच कर लिया अर्ली, और लंच करने के बाद में मैंने बताया है कि कैसे मुझे चला पता कि आई एम प्रेग्नेंट। तो उसके ही कुछ टाइम के बाद में मुझे 3 घंटे के बाद, मतलब 3 बजे तो मैंने टेस्ट भी कर लिया, पर फिर भी मैंने 3 दिन और सिम्टम्स लिख लिए, क्योंकि मुझे था कि मुझे वीडियो कभी ना कभी बनाना है, इन्फॉर्मेटिव रखना है, तो मैं नोटिस करते गई। तो DPO 12th डे को मेरे बहुत ही ज़्यादा ज़ुकाम हो गया मुझे। मतलब मैं सुबह सो के उठी, एक दिन पहले चला पता आई एम प्रेग्नेंट, आई एम सो हैप्पी, नेक्स्ट डे सुबह उठती हूँ, छींके स्टार्ट हुई, रनिंग नोज स्टार्ट हुआ, रनिंग नोज से ज़्यादा रनिंग आईज स्टार्ट हो गए। मेरी आँखों से पानी जा रहा है, नाक से पानी जा रहा है, छींक आ रही है, मतलब गले में दर्द हो रहा है। तो मुझे मतलब वो कोल्ड एंड फ्लू वाला जो सिम्टम्स था वो स्टार्ट हो गया। उसके अलावा यूट्रस में जो स्ट्रेच पेन था वो DPO 12th में भी 2-3 एपिसोड्स उसके हुए, फिर DPO 13th को भी कोल्ड एंड स्नीजिंग जो है वो कंटिन्यू रहा, रनिंग आईज, रनिंग नोज वो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, हंगरी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। DPO 14th को भी कोल्ड एंड फ्लू परसिस्ट, वीकनेस थी, अब इस दिन मुझे थोड़ा सा वीकनेस था, पर ऑफकोर्स क्योंकि सर्दी खांसी था और दवाई भी नहीं, खांसी नहीं था, सर्दी और रनिंग नोज था, आँखें से पानी जा रही है, छींकें आ रही हैं, तो वीकनेस था उसकी वजह से, लोअर बैक में पेन था, एंड वेरी थर्स्टी मैंने मेंशन किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। तो ये था DPO 14 तक का, मैंने ये पूरा नोट करके रखा। और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, वो भी मुझे तब तक नहीं हुआ था, वो मुझे बाद में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, पर उस टाइम तक मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो यही था। और जो ब्रेस्ट पेन जो मैंने आपको मेंशन किया कि मुझे स्टार्ट हुआ था, वो मुझे पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहा, 12th वीक से आकर के वो थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ, और 13th वीक ख़त्म होते होते 14th वीक के स्टार्ट में जाके वो कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। तो मतलब इतने लंबे टाइम तक मेरे दोनों ब्रेस्ट में पेन था। तो यही थे मेरे सिम्टम्स। अभी देखिए, इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो PMS वाले हैं, और कुछ सिम्टम्स थे जो नए थे, जो इंडिकेट कर रहे थे कि हाँ मैंने कंसीव कर लिया है। बाकी आप सिम्टम्स स्पॉटिंग करिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसको आप ऐसे करिए आपको अच्छा लगता हो टाइम पास के लिए, या फिर अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना अच्छा लगता हो, तो उस वाले माइंडसेट से आप इसको नोट करिए, बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट करिए, पर इसको पढ़ के लिख के टेंशन में नहीं आना है कि अरे वो ये हो गया है नहीं हो गया है। वो क्या कहता है, बहुत परेशान करता है आपके दिमाग को, और अगर नहीं कंसीव होता है उस मंथ, आपकी नॉर्मल सी पीरियड स्टार्ट हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। पर आई नो ये बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। बहुत मंथ्स ऐसे भी बीते हैं जहाँ पे मुझे बिल्कुल लग रहा था कि कंसीव हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी, पर फिर जैसे ही बैक पेन और पैर का दर्द वो ज़्यादा बढ़ना शुरू होता था, तो मैं समझ जाती थी। और मेरे केस में ये था कि पीरियड स्टार्ट होने से 3-2 दिन पहले मुझे स्पॉटिंग शुरू हो जाती थी। तो जैसे ही स्पॉटिंग शुरू होती थी, तो फर्स्ट डे लगता था क्या पता ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, पर जैसे वो थोड़ा डार्क होना स्टार्ट होती थी, तो मुझे लगता था पता कि नहीं, ये तो नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही बुरा लगता था। तो इसीलिए अगर आपको इन सब में नहीं पढ़ना है, नॉर्मल बिंदास रहना है, तो मैं तो आपको वही सजेस्ट करूँगी कि नॉर्मल बिंदास रहिए। जब पीरियड मिस हो जाए तो टेस्ट कर लीजिए, पर फिर भी अंदर में इच्छा तो होती है, और अपनी बॉडी को जानना भी ज़रूरी है। तो आप भी इस तरीके से नोट बनाइए, बाद में पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने फाइनली ये वीडियो बनाया, आप लोगों को बताया। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं ऐसा वीडियो बताऊंगी, बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि कब आप बताओगे, तो देखिए बता दिया। आगे और भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं, और पहले भी मैंने बनाए हैं, चेक नहीं किया चेक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर आपके कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो अलग थे आपको बताना हो कमेंट सेक्शन में, तो बताइए, तो लोग पढ़ेंगे तो उनको भी आइडिया लग जाएगा। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।